अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग मटन मरख बना रहे। अक्सर हम लोग शादियों में, जब हम लोग मैरिज के सीजन चलते हैं, उसी वक्त हम लोग दावतों में बहुत मटन मरख खाने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग घर पे बना नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसको एफर्ट भी नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग जो बिल्कुल ही इसका टेस्ट नहीं करे, उन लोगों तक आज ये रेसिपी पहुंचाएंगे। मटन मरक के साथ हम लोग नान रोटी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसी रेसिपी को हम लोग नवाब्स किचन के स्टाइल में बहुत ही आसानी से बना के दिखाएंगे। चलिए, मटन मरक प्रोसेस बहुत ही आसान है एक्चुअली बनाना, उसी प्रोसेस को हम लोग आज दिखा रहे हैं। बॉल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग प्योर घी और उसके साथ साथ ऑयल भी ऐड करेंगे। ऑयल और घी गर्म हो गया है, इसी में हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे, लवंग, इलायची, पट्टा, शाहजीरा, उसके साथ साथ हम लोग ब्लैक पेपर कॉर्न्स भी ऐड करे हैं। इन सारे रॉ स्पाइसेस को ऑयल में ऐड करेंगे। रॉ स्पाइसेस के साथ साथ इसी में हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। ऑनियन स्लाइटली कलर चेंज होते ही इसी में हम लोग जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ साथ इसी में हम लोग हल्दी, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस के साथ ऑनियंस अच्छी तरह घी में पके बाद इसी में हम लोग अच्छी तरह वॉश करा हुआ मटन ऐड करेंगे। मीट घी में और सारे इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह पके बाद इसी में हम लोग चॉप्ड कोरिएंडर और चॉप्ड मिंट लीव्स ऐड करेंगे। मीट अच्छी तरह बॉईल हो गए बाद इसी में हम लोग पिस्ता, कैशनट्स पेस्ट और आलमंड्स पेस्ट, इसके साथ साथ थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली पेस्ट भी ऐड करेंगे।
सारे पेस्ट से ऐड करे बाद इसी में हम लोग वाटर ऐड करेंगे उसके हिसाब के लिहाज से। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आधे किलो गोश्त पे 1.5 लीटर वाटर ऐड करेंगे, उसके लिहाज से आज हम लोग जो क्वांटिटी लिए है उसके लिहाज से ही वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करे बाद इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, मिंट, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। एक बार अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी को हम लोग लिड क्लोज करके 40 मिनट्स पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। मटन मरक 40 मिनट तक अच्छी तरह पके बाद माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पेट भर गया है। इसी को हम लोग नान के साथ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली हम लोग नान यहाँ पर बनाने की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर आर्डर दिए है, उसी नान को हम लोग वहाँ पर बीच में कलेक्ट करेंगे और नीडी पीपल तक लेके जाके उनको पेट भर खिलाएंगे। चलिए अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इमीडिएटली हम आप लोग इंस्टाग्राम पे नवाब्स किचन ऑफिशियल जो पेज है उसको भी लाइक करिए और फेसबुक पेज नवाब्स किचन ऑफिशियल पे भी फॉलो करिए और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है नवाब्स किचन के उन सभी पे फॉलो करिए और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी शेयर करिए। आज का रेसिपी बहुत ही आसान तरीके में आज हम लोग बना के दिखाए हैं, बच्चों को भी बना के दीजिए। उनका कमेंट क्या है आज कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।